हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम इस चैप्टर का जो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं, और आखिरी पार्ट भी है। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन 5, उसमें प्रूव दैट के सवाल है। तो काफी इम्पोर्टेंट सवाल रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। यहाँ पे देखो, LHS दिया है, cosec स्क्वायर cosec theta minus cot theta का होल स्क्वायर। हमें इसको RHS जैसा बनाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। सी, cosec theta that is equal to 1 upon sin theta minus cot theta, यानी cos theta by sin theta the whole square। तो ये होगा 1 minus cos theta the whole square upon sin theta होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। सो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर अप्लाई कर दो। ओके, तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ वी नो द आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर दो वो, तो 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर ऐसे ही रहने दो। डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको आप 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पे लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बढ़िया, सेपरेट आउट कर दो डिनोमिनेटर में। तो इसके जगह ये लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा तो होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दो थे नीचे एक था, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आरएचएस है। तो यहाँ पे बन गया हमारा पहला सवाल। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, पूछ लो यहाँ पे। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन टू देखते हैं। So let's solve the second question, that is cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A. So that is equal to 2 sec A. हमें ये prove करना है. So let's start the question. LHS that is cos A 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A. अभी देखो यहाँ पे LCM ले लो. So ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे होगा, ये एक दूसरे के साथ होगा। ओके, सो ये होगा कॉस स्क्वायर है प्लस ये होगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, नीचे आएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट्स यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसको ऑपरेट करो, तो कॉस स्क्वायर है प्लस ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये बनाया हमने। ये नीचे होगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, नीचे ऐसे ही रहने दो डिनोमिनेटर पार्ट। अभी यहाँ पे देखो, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे? 1। तो ये और ये दोनों टर्म मिला के दिस वन एंड दिस वन, दोनों मिला के 1 बनाएगा। तो 1 प्लस 1, ये वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 साइन ए, नीचे होगा कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ओके, अभी 1 प्लस 1 2 कर दो, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन, नीचे है कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो,
वन प्लस साइन ए नीचे होगा कॉस ए इन ब्रैकेट वन प्लस साइन ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, टू बाई कॉस ए, टू बाई कॉस ए, सो वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो दिस इज टू सेक ए दैट इज इक्वल टू RHS। आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर है एकदम बढ़िया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चन थ्री आगे देखते हैं। तो चलिए लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये सवाल आपको प्रैक्टिस करके ही जाने अगर एग्जाम में जा रहे हो तब। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, LHS दैट इज टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ओके। अभी इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो टेन यानी टेन थीटा बाई कॉस थीटा होल अपॉन ये होगा वन माइनस कॉट यानी क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके प्लस सेम इसको अप्लाई करो कॉट यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन वन माइनस टेन यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बढ़िया ठीक है। नीचे एलसीएम सेट करो, तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा, ठीक है नीचे एलसीएम सेट किया हमने, यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। अभी देखो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा ये कॉस नीचे आएगा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा ये साइन नीचे आएगा, ठीक है तो ऊपर साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, नीचे कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे ये होगा साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, चलिए आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है ये कॉस ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा बनाता है साइन थीटा नीचे आके साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन बनाए, ओके। अभी देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कॉस माइनस साइन, ठीक है यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, इट विल लुक लाइक दिस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन कॉमन निकाल लो यहाँ से, ठीक है तो कॉस स्क्वायर थीटा ये बनेगा साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है अगर माइनस साइन इंटरचेंज बाहर निकाल लो कॉमन ले लो तो यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ओके क्योंकि अगर देखो माइनस साइन इसको अप्लाई करो तो माइनस साइन बनेगा तो था ही, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही था इसलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर आप कॉमन निकाल सकते हो बाहर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला ब्रैकेट सेम है तो बाहर निकाल लो उसको, तो दिस विल बी वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे बनेगा साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है यहाँ पे ये दो बचेंगे यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, बढ़िया ऐसे हम निकाल लो यहाँ पे, सो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई करो साइन क्यूब थीटा माइनस इसको इसके साथ करो इसको इसके साथ ये दोनों आपस मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है माइनस साइन तो है यहाँ पे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अभी ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे देखो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखो a³ माइनस b³, ये अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो a क्या है, साइन थीटा है, और b क्या है, कॉस थीटा है। ओके अप्लाई करो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अप्लाई किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर। ओके अभी डिनोमिनेटर में साइन डॉट कॉस तो है ही, चलिए तो यहाँ पे देखो पेस कम हो रही है। चलिए यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ऊपर बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे तो ये है ही साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अभी ये देखो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा क्योंकि ये मल्टीप्लायर में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ओके अभी इसको सेपरेट दे दो डिनोमिनेटर को, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस ये बनेगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो दिस विल गेट कैंसल आउट एंड विल बिकम 1। ठीक है, 0 नहीं होगा, ये 1 होगा। 1 बाय साइन दैट इज कोसेक, 1 बाय कॉस दैट इज सेक। तो ये बन गया सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा प्लस 1। तो वही तो चाहिए आरएचएस में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे स्टेप्स आपको याद आने चाहिए एग्जाम में, अदरवाइज इट विल गेट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसलिए मैंने बोला कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करके ही जाना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन 5 का जो क्वेश्चन 4 है, ठीक है, वो आगे देखते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो एलएचएस क्या दिया है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a। ठीक है, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते, तो 1 अपॉन cos a और ये होगा 1 अपॉन cos a। यहाँ पे एलसीएम सेट कर दो, तो cos a + 1 by cos a होल अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos a कैंसिल हो गया, तो बच गया cos a + 1। ओके अभी आरएचएस को सॉल्व कर दो। तो आरएचएस दिया है साइन स्क्वायर है 1 माइनस cos a। तो साइन स्क्वायर है, मैंने पहले भी कई सवालों में सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1। तो सिर्फ साइन स्क्वायर है क्या बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस cos। ये भी मैंने पहले लिखा था, 1 माइनस cos स्क्वायर है क्या होता है, ये 1 या 1 स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो x² - y², तो ये 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a। ओके तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a। तो नीचे क्या है, 1 माइनस cos a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस cos a। तो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो हियर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस ट्रू। बढ़िया, आसान था। तो यहाँ पे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको एलएचएस से सीधा आरएचएस में आना है तो कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो cos a + 1 है, इसको लिख दो 1 प्लस cos a,
इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 माइनस cos A से, ठीक है, ये या आपको याद आना चाहिए, अदरवाइज दिस इज द बेटर ऑप्शन टू गो विथ. तो 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A, ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस cos² है, नीचे बन जाएगा 1 माइनस cos A, और 1 माइनस cos² है, सो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है बन गया, और ये होगा 1 माइनस cos A. तो फिर भी RHS आ रहा है, बट आपको ये याद आना चाहिए कि इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमको, ठीक है, बट अदरवाइज एज आई सेड क्या है, LHS और RHS दोनों को इक्वेट कर दो, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन. ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो यहाँ पे खत्म हो जाता है. दिस इज जस्ट द एक्स्ट्रा पार्ट, अगर आपको ऐसे कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो. तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चन 5 आगे देखते हैं. चलिए तो अभी अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन 5 का 5th क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी वेरी IMP क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए तो देखते हैं, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a. हमें ये सवाल ये आइडेंटिटी की मदद से ही प्रूव करना है, दैट इज गिवन, ठीक है, ये कहीं पे यूज होनी चाहिए आइडेंटिटी. तो सबसे पहले LHS लिख दो, cos a minus sin a plus 1 cos a plus sin a minus 1. अभी देखो cos cosec और cot हमें ये चाहिए, अगर तो इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है, दोनों को न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन, ये क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए. बढ़िया, चलिए तो अभी कॉस बाई साइन दैट इज कॉट, तो ये होगा कॉट ए माइनस साइन बाय साइन दैट इज 1 1 अपॉन साइन, सो दैट इज कोसेक. आई होप नाउ इट इज क्लियर कि क्यों हमने साइन ए से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को. नीचे भी सेम रहेगा, cot a प्लस 1 माइनस cosec a. बढ़िया, अभी देखो हमें cosec a प्लस cot a चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो बात मैं बताने जा रहा हूँ. यहाँ पे ये देखो, ये जो 1 है ना, ठीक है, उसको हमें रिप्लेस करना है, आइडेंटिटी बाय आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot² है, ठीक है, यहां से 1 को सब्जेक्ट बना दो, तो देयरफॉर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 1. इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे जो 1 है वहां पे, ओके, तो देखो ये होगा cot a, ये प्लस cosec है उसको मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है, cot a प्लस cosec a, फिर माइनस 1 है माइनस 1, तो 1 के बदले cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. डिनोमिनेटर अब ऐसे ही रहना, तो उसको कुछ नहीं करना है आपको, वो भले ऐसे रहे, cot a प्लस 1 माइनस cosec. अभी यहाँ पे देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बना दो, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे इसको लिख दो कोसेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1
माइनस कोसेक थी, ठीक है। इसको हमने बना दिया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अभी यहाँ पे देखो कोसेक ए प्लस कॉट, कोसेक ए प्लस कॉट यहाँ पे कॉमन निकल रहा है तो उसको बाहर ले लो, ठीक है, उसको बाहर निकाल दो। तो ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा वन, इस जगह पे बचेगा वन क्योंकि वो तो कॉमन ले लिया बाहर। फिर माइनस साइन ये वाली, यहाँ पे ये टर्म है वो बाहर निकल चुकी है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो बचेगा ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन, मैंने बोला डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने दो, ओके। ब्रैकेट को खोल दो तो माइनस कोसेक माइनस माइनस प्लस कॉट, तो ये होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दो, तो कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अभी ये ब्रैकेट और डिनोमिनेटर देख लो पूरा सेम है, प्लस वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों सेम, तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, बचेगा क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, था इजी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो फिर क्वेश्चन 6, आगे देखते हैं।